ग्वालियर स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक बार फिर से नगर निगम और नगरीय प्रशासन के अधिकारियों को कोर्ट की नाराजगी से रूबरू होना पड़ा। दरअसल कोर्ट में पेश हुए निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने कहा कि स्वर्ण रेखा नदी के बगल से सीबर की ट्रंक लाइन बिछाई जा रही है, इसका अमृत भाग दो योजना से कोई भी लेना देना नहीं है। ये योजना लगभग 650 करोड़ रुपए की है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर भोपाल में बुधवार को नगरीय प्रशासन कमिश्नर की देख रेख में एक बैठक भी आयोजित की जा रही है, लेकिन बैठक के बारे में जब जानकारी ली गई तो यह अमृत योजना भाग दो के संबंध में पाई गई। नगरीय प्रशासन की ओर से जब पेश किए गए हलफनामे को बारीकी से कोर्ट ने देखा तो इसमें स्थानीय कार्यपालन यंत्री सिंचाई विभाग के हस्ताक्षर थे। जब उन्हें तलब किया गया तो उन्होंने बताया कि उनसे यह हलफनामा दिलवाया गया था और उन्हें योजना के संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने गुमराह करने का आरोप लगाते हुए निगम कमिश्नर को स्वर्ण रेखा नदी को लेकर एक विस्तृत प्लान रिपोर्ट 24 जनवरी तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में निगम कमिश्नर हर्ष सिंह के अलावा DFO अंकित पांडे, नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी, राजस्व अधिकारी और अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। क्या देखिए, माननीय न्यायालय के समक्ष स्वर्ण रेखा के जीर्णोद्धार के लिए जो कार्रवाई चल रही है, जो पिटीशन चल रही है, आज उसमें सुनवाई थी और उस सुनवाई में माननीय न्यायालय ने हमेशा से ही ये कहा है कि ठोस मसौदा पेश किया जाए, लेकिन आज तक आला अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी कोई ठोस मसौदा पेश नहीं कर सके हैं। और आज जब सुनवाई के दौरान जो रिपोर्ट पेश की गई वो शासन की तरफ से, उस रिपोर्ट में भारी भरकम कमियाँ पाई गई और सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसमें एक झूठा एफिडेविट लगा दिया गया। वो भोपाल के अधिकारियों की रिपोर्ट पेश कर उसमें ग्वालियर के एक WRD के अधिकारी का एफिडेविट लगा दिया गया और जब माननीय न्यायालय के द्वारा उस अधिकारी को बुलाया गया, तलब किया गया तो उसने